नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस, तो यहां पर हम देखने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये यहां पर हमको देखना है। ठीक है, बेसिक से जाएंगे एकदम। सबसे पहली चीज जो फैक्टर को ये रेट को इफेक्ट करती है, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने देखा ना, कोई रिएक्शन है जो सेकेंड्स में होती है, कुछ मिनट्स में होते हैं, कुछ किसी को घंटे लगते हैं, किसी को दिन लगते हैं, मतलब फास्ट, मॉडरेट और स्लो। ये तीन टाइप के रिएक्शन मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के अंदर, के रिएक्शन की अलग अलग स्पीड होती है, कुछ स्लो होते हैं, कुछ मॉडरेट रेट के होते हैं और कुछ फास्ट होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि N2O5 ये कंपाउंड को डिकोम्पोज करते हैं हम। ठीक है, तो NO2 बना था, याद है आपको रिएक्शन लास्ट टाइम। तो इसको अगर डिकोम्पोज करने जाए हम, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 12 मिनट में ये रिएक्शन हाफ हो जाती है, मतलब हाफ ऑफ द N2O5 ऑफ इनिशियल अमाउंट रहेगा। समझा आपको, जो N2O5 आपने स्टार्टिंग में लिया है उसका हाफ बचेगा 12 मिनट के अंदर, तो उसका हाफ लाइफ हो गया ना 12 मिनट। ओके, ये रिएक्शन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे आप तो टाइम ज्यादा लगता है, ज्यादा टाइम लगेगा उसको। ठीक है, आर्स में चले जाता है। और टेम्परेचर कम करेंगे तो और टाइम लगेगा उसको डिकॉम्पोज होने के लिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे तो जल्दी जल्दी हो रहा है डिकॉम्पोजिशन, मतलब टेम्परेचर इफेक्ट करता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, तो उसमें से पहला है टेम्परेचर। इसको तो हम डिटेल में देखने वाले हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक फैक्टर है जो रेट को इफेक्ट करता है, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होने वाला है, रेट भी बढ़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। सिंपल सी बात है, हम सादे से जो है सेगड़ी पर या लो टेम्परेचर पर चाय बनाते हैं टाइम लगता है, उसी को अपन गैस पे या हाई टेम्परेचर पर इंडक्शन पे बनाते हैं तो जल्दी बनता है, तो वहां टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है उसको। समझे आपको, तो रिएक्शन का स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, रेट बढ़ गया। तो ये डायरेक्ट इस पर डिपेंड रहता है, और ऑलमोस्ट केसेस में ये देखा गया है कि अगर कोई रिएक्शन का टेम्परेचर समझो टी पर, उसका रेट कॉन्स्टेंट समझो के है, या रेट ऑफ रिएक्शन समझो अगर जो भी रहेगा, अगर हम टी प्लस 10 करते हैं, मतलब 10 डिग्री बढ़ा देते हैं उसके अंदर, तो अपने को जो है ये कांस्टेंट क्या मिलता है, तकरीबन डबल रेट, कांस्टेंट भी डबल मिलता है, उसका रेट भी बढ़ जाता है। रेट डबल होगा जरूरी नहीं है, मतलब अगर आपने टी टेम्परेचर पे किया तो रेट जो भी रहेगा, और टी प्लस 10 पे अगर हम आगे करते हैं तो रेट प्लस मिलेगा आपको, मतलब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बाद में के का भी रिलेशन आएगा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ओके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन फास्ट होते जाती है, तो ये एक फैक्टर है, इसको हम बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। सेकेंड है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो रेट भी उतना ज्यादा होगा, सरफेस एरिया लार्ज सो रेट विल बी मोर। जितना सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा उतना रिएक्शन फास्ट होता है। एग्जाम्पल आप देखिए, लकड़ी को हम जलाते हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल आपने एक 2 ग्राम का पीस लिया लकड़ी का, ठीक है, और उसको आपने बर्निंग के लिए छोड़ दिया। सेम 2 पीस का आप पाउडर बनाते हैं और उसको जलाते हैं, फास्ट कौन सा जलेगा, पाउडर फॉर्म में फास्ट जलता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। मतलब कोई भी अगर सब्सटेंस है तो आप देखेंगे अगर वो इस तरह से है तो इसका सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं यहां से, समझे आपको, उसके फेसेस काउंट करके। लेकिन इसी को अगर हम यहां से ब्रेक करते हैं तो ये 2 पीस में बन गया यहां पर इस तरह से, राइट। तो अब न्यू सरफेस एरिया तैयार हो गया ना, पहले सरफेस एरिया किधर था, इधर 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 और बैक साइड से, अब यहां पर ये न्यू सरफेस एरिया तैयार हुआ ना, समझे आपको, जहां से हमने उसको ब्रेक किया न्यू सरफेस एरिया बन गया ना,
ये पेन है जैसे आपको दिख रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ सरफेस है, बराबर है ना, जैसे ब्रेक किया तो न्यू सरफेस तैयार हो ना इधर इधर, समझे आपको, गेटिंग। तो जितना हम उसको ब्रेक करते जाते हैं सब्सटेंस को, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ते जाता है, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा वो इंट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल जिससे रिएक्शन कर रहा है उसके कॉन्टैक्ट में ज्यादा है ना, तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, समझा आपको। थर्ड फैक्टर क्या होता है, केमिकल नेचर, मतलब स्टेबल है या रिएक्टिव है, स्टेबल और रिएक्टिव, के जो केमिकल है जो हम यूज कर रहे हैं उस वो स्टेबल है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखा ना किसी में रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो वो जल्दी रिएक्शन नहीं देते, तो डेफिनेटली जो स्टेबल होते हैं उनका रेट क्या होता है, कम, और जो रिएक्टिव है उनका रेट क्या रहेगा, ज्यादा, ठीक है। तो ये केमिकल नेचर में और भी चीजें आती है, जैसे इसमें फेज भी काउंट होता है, फेज मतलब रिएक्शन कौन से फेज में हो रही है, गैस फेज, लिक्विड फेज या सॉलिड फेज। तो गैस फेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर डिस्क्रीट, सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब गैस ए गैस बी को अपन ने मिक्स किया तो फटाफट एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे वो, तो ये रिएक्शन फास्ट होती है, ठीक है। लिक्विड में जाएंगे तो अपन मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल आपस में मतलब इंटरकनेक्टेड है, इसके मॉलिक्यूल्स बी के आपस में इंटरकनेक्टेड है, टाइम लगेगा ए से ए को ब्रेक होने के लिए, बी को बी से ब्रेक होने के लिए, फिर ए बी बनने के लिए, समझे आपको। तो लिक्विड, सॉलिड में हम जाएंगे तो दे आर टाइटली होल्डेड बाय द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के अंदर टोटली पैक्ड है एकदम, ये वाले भी पैक्ड है, आसानी से छोड़ेगा नहीं ना, तो रिएक्टिविटी क्या होती है उसकी, और कम। फिर इसके अंदर एक और एक होता है, ये नेचर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, जैसे होमोजिनस एंड हेट्रोजिनस, तो जो होमोजिनस रहते हैं सिमिलर टाइप के उनमें इंटरेक्शन बहुत अच्छे से होता है, और जो डिफरेंट टाइप के रहेंगे हेट्रो उनमें इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। ये हम एग्जाम्पल देख चुके हैं, वुड्स रिएक्शन में हमने देखा कपलिंग में अपने को इवन वाला अच्छे से मिलता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, सिमिलर है, ये भी एक पॉइंट है। और होमोजिनस और हेट्रोजिनस भी, होमोजिनस जो रहते हैं वो सेम नेचर वाले रहते हैं, वो इंटरेक्शन फास्ट करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये भी फैक्टर है जो रेट पर, रेट को इफेक्ट करेगा। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट है वो है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है या घटाता है, तो ये पार्ट भी अपन जो है यहां पर डिटेल में देखने वाले, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो रहता है वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता भी है घटाता भी है, जो बढ़ाता है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो घटाता है इसको हम बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। एक्चुअली क्या होता है, जब हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था रिएक्शन, याद है आपको SN1 SN2, तो SN2 में आपने देखा था इस तरह से ग्राफ बनता था, ये अपना रिएक्टेंट है, ये अपना प्रोडक्ट है, ये कौन है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट, किसी भी रिएक्शन को प्रोडक्ट बनने से पहले उसको ट्रांजिशन स्टेट में जाना पड़ता है, मतलब पहले उसको लूज होना पड़ता है, समझे आपको। अब कोई वॉल है, कोई वॉल अपने को गिराना है तो उसको हथौड़े से हैमर से आप मारते जाएंगे, बहुत देर तक मारेंगे मारेंगे मारेंगे, तो जब वो लूज हो जाएंगी अब आपको लगेगा कि अब ये गिरने के लिए तैयार है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, उसके लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ा है ना, तो जितना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ रहा है उसको हम बोलते हैं उतना ज्यादा जो यहां पर ट्रांजिशन स्टेट, इसको ये डिफरेंस आएगा, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, समझा आपको। तो ऐसे ही रिएक्टेंट्स के अंदर, केमिकल्स के अंदर, अलग अलग केमिकल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसके बॉन्ड्स ब्रेक करना पड़ते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देना पड़ेगी ना, किसी का बॉन्ड स्ट्रांग रहता है तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ती है, किसी का बॉन्ड वीक रहता है तो एनर्जी कम देना पड़ती है, तो जहां एनर्जी कम देना पड़ती है जल्दी से प्रोडक्ट बन जाता है, तो वहां ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कम, छोटी होती है, क्योंकि एनर्जी कम लग रही है ना उसको। लेकिन जिसके बॉन्ड स्ट्रांग है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है, मतलब ज्यादा हीट करना पड़ता है, तो ग्राफ में ज्यादा बताएगा वो, समझा आपको, तो उसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी। तो लेकिन अगर हम कोई रिएक्टेंट है और उसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसका रेट क्या रहने वाला है, कम, जल्दी से नहीं बनेगा ना, टाइम लगेगा उसको।
लेकिन इस रिएक्टेंट को अपन लूज बना देते हैं, लूज कर देते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वॉल को अपन तोड़ रहे हैं तो हैमरिंग बहुत करना पड़ेगा ना, हथौड़े से बहुत मारना पड़ेगा तब वो लूज होंगी। लेकिन आजकल कुछ केमिकल्स आते हैं पता है आपको, वो स्प्रे अगर मार दिया आपने वॉल के ऊपर वो ऑटोमेटिक लूज हो जाती है, तो आपको हथौड़ा मारना पड़ा, वो केमिकल है, उसमें होल्स करके सिर्फ छोड़ देते केमिकल, वो ऑटोमेटिक एकदम मिट्टी की तरह हो जाती है। हार्ड वॉल भी सिर्फ उसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो गिर जाएंगी, तो वो जो केमिकल था वो कैटलिस्ट का काम किया है, समझा आपको। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो स्टेबल रिएक्टेंट है ना, तो कैटलिस्ट डालने पर वो स्टेबल रिएक्टेंट क्या बन जाता है, अनस्टेबल, मतलब उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है। जब स्टेबिलिटी लॉस हो जाती है तो उसको ट्रांजिशन स्टेट में ले जाने के लिए यानी वीक करने के लिए बहुत कम एनर्जी लगेगी, मतलब पाथ चेंज हो जाता है। ये यहां से मतलब कैटलिस्ट डालने के बाद ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट विथ कैटलिस्ट, तो अब ये ग्राफ ऐसे मिलेगा। हालांकि सेम प्रोडक्ट सेम रिएक्टेंट है लेकिन साथ में कौन आ गया, कैटलिस्ट। तो अब अपने को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या मिल रही है, कम, मतलब कम एनर्जी पर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक, समझा आपको। तो ये कैटलिस्ट ने आकर किया है, ये क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है रिएक्टेंट को, जिससे वो आसानी से ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोला जाता है द सब्सटेंस विच चेंजेस द पाथ, पाथ चेंज कर दिया ना उसने ग्राफ का, यहां पर द सब्सटेंस विच चेंजेस द पाथ बाय मिनिमाइजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को मिनिमाइज करके पाथ चेंज करता है और उससे रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन पर। ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है कि कितने मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हुआ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिजन, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स तो 100-100 आ गए थे लेकिन परफेक्ट डायरेक्शन में 50 ही टकराए तो रेट कम होगा ना। जैसे एग्जाम्पल अपन ने SN2 रिएक्शन देखा, याद है आपको, तो OH- अटैक करता है फ्रॉम बैक साइड, तो अपन ने इसमें कंडीशन भी देखे थे, अगर फ्रंट से अटैक किया तो रिएक्शन नहीं होगी, Br और OH- का रिपल्शन, समझे आपको। तो प्रॉपर डायरेक्शन में उसका कोलिजन होना जरूरी है, अगर कोलिजन OH- ने सामने से किया तो रिएक्शन नहीं हुई, मॉलिक्यूल वापस चले गए, नो रिएक्शन, अगर पीछे से अटैक किया तो रिएक्शन होगा, देखा था ना अपन ने बैक साइड अटैक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कोलिजन किस तरह से हुआ है, तो ये फैक्टर्स है जो रेट पर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं।